हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस के जो क्वेश्चन है उनको एलिगेशन के थ्रू करेंगे और कितनी इजीली से हम इसको वन लाइन या दो लाइन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दो आर्टिकल को सेम प्राइस पर बेचा जा रहा है, एक पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर 10% का लॉस हो रहा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 20% प्रॉफिट और -10% का लॉस, तो जो ओवरऑल है वो मान लो एक्स है। तो हम जानते हैं कि दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस में खरीदा गया तो उनका कॉस्ट प्राइस 1:1 में होगा। तो हम एलिगेशन वाले में कैसे करते हैं, 20 में से x घटाया तो ये हो जाएगा 20 - x, और x में से -10 घटाया तो ये हो जाएगा x+10, और इनका रेशियो भी इनके कॉस्ट के रेशियो के ही तरह होगा, 1:1, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x = 10, x = 5% पॉजिटिव है, तो मतलब उसको 5% का प्रॉफिट होगा। तो आपको कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो वो पता होना चाहिए। तो दो खिलौनों को सेम प्राइस 504 पे बेचा जा रहा है, 1% एक पर उसको 12% का गेन हो रहा है, दूसरे पर 4% का लॉस। तो देखो सिंपल यही करेंगे, पहले 12% का प्रॉफिट, 4% का लॉस। मान लो एक्स ओवरऑल है तो 12 में से x घटा 12 - x, और x में से -4 घटा x+4, इन दोनों का रेशियो वही होगा जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा। अब हमको कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या कैसे निकालना है, 12% का मतलब क्या होता है, यहां हम लिख दें अगर 12/100, 6/50, 3/25, मतलब 25 रुपए का सामान 28 में बेच रहा है। अब 4% का लॉस मतलब 4/100, 1/25, मतलब 25 रुपए का सामान 24 में बेच रहा है। सेल 28 में यहां बेच रहा है, यहां 24 में, लेकिन ये दोनों की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, इसकी और इसकी। तो ऊपर वाले को जब आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को 28 से तो बराबर हो जाएगा। तो ये भी 28 से और ये भी 24 से, तो अब कॉस्ट प्राइस 1 इसका रेशियो, कॉस्ट प्राइस 2 इसका रेशियो देखोगे तो क्या आएगा, 24:28, ये 24:28, तो यही इनका रेशियो होगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x+4/12 - x, 24/28, 6/7, 7x+28 = 72 - 6x, 13x = 44, तो x = 44/30, तो प्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, तो इसका आंसर ये होगा। तो इसको इसी तरह करने पर तुरंत ही सॉल्व होगा। तो अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो एक आदमी जो दो आर्टिकल को समान प्राइस बेचता है 240 पर, तो एक पर बेचने में उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर उसको लॉस हो रहा है 25 का, तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो यहां लिखो 20+ - 25, मान लो एक्स ओवरऑल है तो इसमें से ये घटाओगे तो यहां लिखो 20 - x, अब x में से -25 तो ये हो जाएगा x+25, इनका रेशियो। तो अब हमको कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताना है,
तो 20 का मतलब क्या होता है? 20% का 20/100, 1/5, मतलब 5 रुपए का सामान 6 में बेचा। और 25 का मतलब क्या होता है? 25/100, 1/4, मतलब 4 रुपए का सामान 3 में बेचा। अब कह रहा है दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस में बेचा गया है, तो 6 और 3 सेम होना चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से। तो जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 2 है, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमें पता चल गया 5:8, 5:8। बस इसी को सॉल्व करना है, एक्स प्लस 25, 20 माइनस x, 5/8, तो 8x 200, 100 माइनस 5x, 13x माइनस 100, तो x की वैल्यू आ रही है -100/13, मतलब उसको लॉस हो रहा है, ये आंसर है। अब इस प्रॉब्लम को आप करिए और इसका आंसर बताइए।